हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपीएसआई एपिसोड 3 और एपिसोड 3 का क्लॉक टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्लॉक टॉपिक का ये आपका तीसरा पार्ट है ना। इसके पहले हम लोगों ने सुइयों के मध्य कोण निकालना, जिसमें सिंगल सुई की बात किया था वो पढ़ लिया है, डबल सुई हो तब क्या करना है वो पढ़ लिया हमने। अब हम आए हैं ओवरलैपिंग पे, है ना, जीरो डिग्री पे। जैसे जैसे आपके देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि एक घड़ी के डायल में 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो अगर हम दोस्तों बात करें, हम अगर हम यहां से आपसे बात करें कि जीरो डिग्री के एंगल है ना, जीरो डिग्री के एंगल, तो इसको एग्जाम में कई लैंग्वेज में पूछा गया है। एक लैंग्वेज में नहीं पूछता आपसे सीधे, पहले ऐसे पूछता था कि सीधे जीरो डिग्री पूछ लिया, अब कभी भी आपको सीधे जीरो डिग्री नहीं देता। इसके लैंग्वेज क्या हो सकते हैं, जैसे आपको दे देगा पहला लैंग्वेज तो होगा जीरो डिग्री, है ना, पहला लैंग्वेज आपका होगा सीधे पूछ देगा जीरो डिग्री। दूसरा लैंग्वेज आपका होता है जब ये पूछ देगा ओवरलैप, ओवरलैपिंग के बारे में पूछ दे तब भी आपसे जीरो डिग्री के बारे में पूछ रहा होता है ना। या आपसे पूछ ले अतिव्यापन, अतिव्यापन तब भी ये ओवरलैपिंग की बात कर रहा है। या आपसे पूछ दे, अगला लैंग्वेज पूछ सकता है संपाति, संपाति पूछ दे तब भी जीरो डिग्री के बारे में पूछ रहा है। या आपसे लैंग्वेज कह दे एक दूसरे के ऊपर तब भी आपसे जीरो डिग्री की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा कि जब भी जीरो डिग्री की बात करेगा तो सीधे जीरो डिग्री दे सकता है, ओवरलैपिंग पूछ सकता है, संपाति पूछ सकता है एक दूसरे के ऊपर, या पूछ ले सकता है एक लैंग्वेज और पूछा गया इंसान एग्जाम में, ढक लेती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कब एक दूसरे को ढक लेती हैं, तो जब ढक लेती हैं की बात कर ले तो एक दूसरे के ऊपर मतलब जीरो डिग्री। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं इसको कि एक घड़ी के डायल में आखिर ओवरलैपिंग होती कैसे है और कितनी बार होती है, होती कैसे है और ये कितनी बार होती है। जैसे हमने आपको ये डायल बना दिया, ये घड़ी, जैसा कि हमने आपको बताया है कि डायल क्या होता है, डायल वह होता है जिस पे घड़ी पे 1 2 3 4 लिखा जाता है, वही हमारा क्या होता है, डायल होता है। जब घड़ी पे 1 2 3 4 लिखा जाए वही हमारा क्या होता है, डायल होता है। ठीक, आइए जरा समझते हैं। ये मान लीजिए कोई सुई है ना, ठीक, समझिएगा बात को, 1 बजे का समय हो रहा है, घंटे की सुई है 1 पे और मिनट की सुई है 12 पे। ध्यान से समझिएगा जरा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब जरा सा दोस्तों देखिएगा, मिनट की सुई यहां से चलेगी, मिनट की सुई यहां से चलेगी है ना, और 1 के थोड़ा सा आगे इसको ओवरलैप करेगी, बोलिए करेगी ना, 1 के थोड़ा सा आगे ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करने के बाद ये आगे बढ़ी, क्या दोबारा इसकी मुलाकात घंटे वाले सुई से हो रही है, बोलिए नहीं हो रही है ना। और जब ये घूम के 12 पे पहुंच जाएगी, समय कितना बच जाएगा आप, तो आप कह सकते हैं 2 बच जाएगा। तो वहां से मित्रों अगर हम एक सवाल पूछें कि ये बताइए 1 बजे से 2 बजे के बीच ये ओवरलैपिंग कितनी बार हुई, 1 बजे से 2 बजे के बीच ये ओवरलैपिंग कितनी बार हुई, तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 1 बार हुई, 1:05 या 6 मिनट के आसपास का समय हुआ होगा। ठीक, चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई है ना। अब जरा देखिएगा 2 बजे का समय हो रहा है ना, 2 बजे का समय, इसको मैं जरा समेटा देता हूँ इधर से, अब जरा समझिएगा कि 2 बजे का समय हो रहा है। ठीक, 2 बजे का समय हो रहा है, घंटे की सुई कहाँ है आपकी, तो घंटे की सुई 2 पे है और मिनट की सुई कहाँ है, 12 पे। ठीक, अब ये मिनट की सुई यहाँ से चली, ध्यान से समझिएगा, 2 के थोड़ा सा आगे इसको ओवरलैप करेगी और ओवरलैप करने के बाद आगे बढ़ी, क्या कहीं दोबारा इसकी मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही है ना। और जब ये घूम के 12 पे जाएगी समय कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो दोस्तों यहां से हम आपसे सवाल करें कि ये बताइए कि 2 बजे से 3 बजे के बीच कितनी बार ओवरलैपिंग हुई, तो आप कह सकते हैं 1 बार। लेकिन इसी प्रश्न को हम बदल दें
और कहेंगे कि दो घंटे में कितनी बार हुई, तो क्या कहेंगे आप, दो बार हुई, है ना। अगर हम आपसे कहें कि दो बजे से तीन बजे के बीच कितनी बार हुई, तो आप कहेंगे कि एक बार हुई। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दो घंटे में कितनी बार हुई, तो आप ये कह सकते हैं कितनी बार हुई, दो बार हुई। ठीक, चलिए आगे देखिए। तीन बजा है ना, तीन बजा, अब ये सुई यहां से चली है ना, और तीन के थोड़ा सा आगे इसको ओवरलैप करेगी, ओवरलैप करने के बाद आगे बढ़ी, क्या इसकी दोबारा मुलाकात हुई, नहीं हुई ना। और जब ये घूम के जाएगी, समय कितना बच जाएगा, चार बज जाएगा। तो हम आपसे कहें कि फिर से प्रश्न वही कि तीन से चार के बीच कितनी बार, एक बार, लेकिन तीन घंटे में कितनी बार, तो आप कहेंगे तीन घंटे में तीन बार। तीन से चार के बीच कितनी बार, तो आप कहेंगे एक बार, लेकिन तीन घंटे में कितनी बार, तो आप कहेंगे तीन बार। ठीक, चलिए अब अगले समय की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। अगले समय की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला समय क्या है, तो आप कहेंगे कि चार बजे का समय। ध्यान जरा समझिएगा, चार बजे में घंटे की सुई है चार पे और मिनट की सुई है बारह पे। चार में क्या है, घंटे की सुई है चार पे और मिनट की सुई कहां है, बारह पे। अब देखिए मिनट की सुई यहां से चली है ना, और चार के थोड़ा सा आगे इसको आगे ओवरलैप करेगी, ओवरलैप करने के बाद आगे बढ़ी, क्या दोबारा इसकी मुलाकात हुई, नहीं हुई ना। और जब ये घूम के 12 बज जाएगी, समय कितना बच जाएगा, पांच। तो हम आपसे कहें दोस्तों ये बताइए कि चार बजे से पांच बजे के बीच कितनी बार, तो आप कहेंगे एक बार, लेकिन चार घंटे में कितनी बार, तो आप कहेंगे चार बार। ठीक, अब दोस्तों हम कहेंगे कि यही काम अगर आपके पास पांच बजे का समय हो, तब भी एक बार ओवरलैपिंग होगी, है ना। छह बजे में भी एक बार, सात में भी, आठ में भी और नौ में भी, तो हम कहेंगे नौ मिनट, नौ घंटे में नौ बार। ये आप समझ लीजिए कि पांच के थोड़ा सा आगे इसको ओवरलैप करेगा, छह के थोड़ा सा आगे इसको ओवरलैप करेगा, सात के थोड़ा सा आगे इसको ओवरलैप करेगा, आठ के थोड़ा सा आगे, आप नौ अभी रहने दीजिए, नौ अभी आपको और अच्छा समझाते हैं। ठीक है, तो आठ घंटे में आठ बार, है ना, आठ घंटे में आठ बार आपकी ये ओवरलैपिंग हो रही है ना। अब ध्यान से जरा समझिएगा, नौ बजे का समय हो रहा है ना, नौ बजे का समय हो रहा है, घंटे की सुई आपकी नौ पे और मिनट की सुई है बारह पे। अब घंटे मिनट की सुई यहां से चली है ना, और ये चल के पहुंची कहां पे, नौ पे, है ना। अब समय हुआ नौ बज के पैंतालीस मिनट, नौ बज के पैंतालीस मिनट, है ना, नौ बज के पैंतालीस मिनट। अब बताइए क्या कि नौ बज के पैंतालीस मिनट पे ओवरलैपिंग होगी, आप कहेंगे नौ बज के पैंतालीस मिनट पे ओवरलैपिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नौ बजे, नौ बजे आपकी मिनट की सुई तो यहां होगी, लेकिन घंटे की सुई कहां होगी, यहां पे होगी। नौ बज के 45 मिनट पे घंटे की सुई 9 पे नहीं होगी, वो 9 और 10 के बीच में होगी, और बीच में क्या होगी, वो 10 के बिल्कुल करीब होगी। क्यों, क्योंकि 45 मिनट में कितना डिग्री, वो 22.5 डिग्री ट्रेवल कर चुकी होगी, और ये दूरी ही आपकी दोस्तों होती है कितनी, तो आप कह सकते हैं कि ये दूरी होती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का जब वो 22 डिग्री पार कर चुकी, इसका मतलब वो 10 के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, मतलब ये जो ओवरलैपिंग होगा बिल्कुल यहाँ होगा, और ये घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी, और ये समय क्या होगा, तो 9:48 या 49 मिनट के आसपास का कुछ समय होगा, एग्जैक्ट अभी हम बाद में निकालेंगे। फिर यहाँ पे चले आगे, समय हो गया 10, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 9 घंटे में कितनी बार बना, तो 9 घंटे में 9 बार बना। ठीक, अब देखिए 10 बजा ये सुई यहाँ से चली, और ये आके 10 के पास पहुंची, और समय होगा 10:50, तो क्या दोस्तों ओवरलैपिंग होगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि होगी। क्यों, क्योंकि 10:50 पे मिनट घंटे की सुई कभी भी 10 पे उसका इंतजार नहीं करेगी, वो 10 से आगे शिफ्ट हो चुकी होगी, और 50 मिनट का मतलब 50/2 25 डिग्री, वो बिल्कुल 11 के पास होगी, और कुछ यहां पर ओवरलैपिंग होगी, और ये समय अगर दोनों सुइयां यहां पर हो, तो बताइए समय क्या होगा, तो 10:50 के
पार और 55 के पहले का कुछ समय, मतलब 10:53 या 54 मिनट या 54.कुछ मिनट की बात करें, इतना समय होगा जब ये होगा। मतलब अगर ये समय है आपको 10:54.6 सेकंड ले लीजिए, सपोज कीजिए 54.6 मिनट ले लीजिए, तो ये घंटा किसका है? दसई का है ना, ये घंटा किसका है? 10 का। तो हम कह सकते हैं क्या कि 10 घंटे में कितनी बार? 10 बार ये बनेगा। 10 घंटे में 10 कितनी बार बनेगा? 10 बार। अब 11 बजा है ना, 11 बजा है ना, क्या बजा? 11 बजा। अब ये सुई यहां से चली, ये चली और चलते 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 पहुंची 11 पे, समय होगा 11:55। अब ध्यान से समझिएगा जरा यहाँ पे है ना, 11:55। तो ये बताइए 11:55 अगर आप घड़ी में देखें अपने समय, तो वो घड़ी की सुई कहाँ रहती है? अगर 11:55 पे अगर आप देखें घड़ी की सुई कहाँ रहती है, तो घंटे की सुई बिल्कुल 12 के पास रहती है ना। घंटे की सुई कहाँ होती है? ये बिल्कुल जो है 12 के पास होती है। अब जब ये 12 के पास होती है तो कितना दूर होती है वो 12 से? तो 55/2 कर दें, ये कितना आ जाएगा? 27.5 डिग्री। मतलब अगर हम 30 में से 27.5 घटा दें, 27.5 घटा दें, तो वह 12 से कितना डिग्री दूर है? कितना डिग्री दूर है? तो आप कहेंगे 2.5 डिग्री दूर है। 2.5 डिग्री क्या है? वो दूर है, मतलब बिल्कुल यहां पे है। अब ये सुई जाएगी और जब ये जाएगी तो ठीक 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक 12 बजे दोनों सुइयां क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो 12 बजे जब ऊपर होती हैं तो बताइए 12 बजे ठीक 12 बजे घंटा किसका होता है? तो दोस्तों ये घंटा 12 का नहीं होता, ये घंटा 11 का होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? 11:60, या हम इसको क्या कह सकते हैं? 11:59.60 है ना। 12 का घंटा कब शुरू होगा? जब ये 12:01, या हम कहें 12:00.01 होगा, तब आपका 12 का घंटा शुरू होगा। कभी भी 12 बजे 12 घंटा नहीं शुरू होगा। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कहें 1 बजे घंटा कब शुरू होता है? 1:01 पे शुरू होगा और समाप्त कब होगा? 1:60 पे समाप्त होगा, है ना। 2 का घंटा 2:01 पे, वैसे 11 घंटा कब शुरू होगा? तो 11:01 पे शुरू होगा और 11:60 पे समाप्त होगा। तो 12 बजे ओवरलैपिंग हुई वो किसकी थी? 11 की। तो हम कह सकते हैं कि 11 घंटे में कितनी बार दोस्तों? 11 घंटे में 11 बार। 11 घंटे में कितनी बार? 11 बार। अब जरा देखिए 12 बजे का समय हो रहा है ना, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। जैसे ही 12:01 हुआ, मिनट की सुई ने घंटे की सुई का साथ छोड़ दिया। जैसे ही 12:01 हुआ, मिनट की सुई ने घंटे की सुई का साथ छोड़ दिया। अब ये आगे बढ़ी, क्या दोबारा इसकी मुलाकात हो रही है? आप कहेंगे नहीं हो रही है। और जब ये घूम के 12 पे जाएगी, समय क्या हो जाएगा? 1 बज जाएगा। तो हम कहेंगे 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो 11 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में बना ही नहीं, तो 12 घंटे में कितनी बार हो गया? 11 बार हो गया। फिर से जरा समझिएगा, है ना, फिर से जरा समझिएगा इसको, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिएगा। जैसे ठीक 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर थी, ठीक 12 बजे दोनों दूसरे के ऊपर थे। जैसे ही 12:01 हुआ, मिनट की सुई ने घंटे की सुई का साथ छोड़ दिया और ये आगे बढ़ी। क्या इसकी दोबारा मुलाकात हुई? नहीं हुई ना। और जब ये घूम के 12 बजे, समय कितना बज गया? 1 बज गया। तो हम कहेंगे 12 से 1 के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनेगा। तो हमसे अगर पूछे कि 12 घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनता है, तो आप कहेंगे 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप कहेंगे कितनी बार? 22 बार। ठीक है, 0 डिग्री के लैंग्वेज क्या हो सकते हैं? तो होगा आपका 0 डिग्री, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन, संपाति, ढक लेती हैं या एक दूसरे के ऊपर होती। इतने लैंग्वेज में आपको ये सवाल पूछा जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ओवरलैपिंग ही पूछेगा, लेकिन हिंदी में तमाम तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पे। ठीक है, ये देखिए,
घड़ी के डायल में 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कितनी बार हो जाएगा, 11 बार हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका। बारह घंटे में 11 बार, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसी को हम थोड़ा सा बदल दें, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए अगर इसी 12 घंटे को अगर वो कह देता 24 घंटे या कह देता एक दिन, तब हमारा आंसर क्या होता? तब हमारा आंसर क्या होता? 22 बार होता, है ना। तब हमारा आंसर क्या होता? 22 बार होता, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा सा देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न, 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयों के सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी करें, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आपको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर देंगे, है ना। हम लोग बेसिक भी समझेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे बिल्कुल आराम से। देखिए पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि हमको सीधे आंसर देना, हमको कुछ पता नहीं है, हम कोई रूल नहीं जानते, हम बस इतना हमको पता है कि 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दूसरे के ऊपर की बात भी कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक दूसरे के ऊपर की बात कर रहा है। और आपको पता है कि एक दूसरे के ऊपर का मतलब क्या हो, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक। अब देखिए जरा सा समझिएगा दोस्तों कि एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज होता है, इसी क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया जा सकता है और इसी क्वेश्चन को कठिन कैसे बना सकता है, जब इसको लेवल कैसे चेंज होता है, हम यहीं पर सीखेंगे। और बिल्कुल आप आत्मनाद समझिएगा, क्या कह दिया कि 4 से 5 के बीच कब एक दूसरे के ऊपर होंगे, अब ऊपर की बात कर दिया ना। अब जब ये ऊपर की बात कर दिया, हमसे पूछ रहा है, तो देखिए जरा सा हम यहां पे, ये हमको सिर्फ एक बात पता है कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर, हमें कोई आंसर नहीं पता है, ठीक है दोस्तों, हमें कोई आंसर पता ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं है, बस हमको पता है कि इन दोनों सुइयों को एक दूसरे के ऊपर लाना है, हमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। अब ध्यान जरा समझिएगा, ये है आपकी घंटे की सुई और ये आपकी है मिनट की सुई। घंटे की सुई यहां से चली, है ना, और 4 के आगे इसको ओवरलैप करेगी दोस्तों, बताइए यहां पे आके ओवरलैप करेगी ना। अब ये बताइए कि लगभग में ये समय क्या होगा, लगभग में ये समय क्या होगा? तो आप कहेंगे 20 के पार और 25 के पहले, यही तो कुछ समय होगा। समझिएगा कि जब घंटे वाली भी सुई यहां है और मिनट की सुई भी यहां है, तो यह समय लगभग में क्या होगा? तो 20 के पार का होगा और 25 के पहले का होगा। मतलब जो भी समय होगा किनके किनके बीच में होगा, 20 और 25 के बीच में होगा, वो 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, ना 20 या 20 से कम होगा, ना 25 या 25 से अधिक होगा। ये समय बताइए क्या है, ये समय बताइए क्या है, फिर समझिएगा जरा सा, है ना। हमको पता है कि जब भी ओवरलैपिंग करेगा 20 और 25 के बीच में, बताइए ये समय क्या है, क्या ये 20 के 25 के बीच में है? आप कहेंगे नहीं, गलत हो गया। क्या ये 20 और 25 के बीच में है? नहीं, गलत हो गया। क्या ये 20 25 के बीच में है? नहीं, गलत हो गया। तो बिना सॉल्व किए कह सकते हैं पहला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बस समझ में आई, बिना सॉल्व किए आप कह सकते हैं पहला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। या इसको लगाने का ट्रिक देखिए क्या होता है, ट्रिक समझिए सीधे की ट्रिक क्या होता है। अगर हमसे पूछा जाए क्या कि जिस घंटे की, मतलब ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या पूछा जाए, पूछा गया है हमसे 4 से 5 के बीच कब 0 अंश का कोण बनेगा, है ना। ये तो हो गया आसान कि 20 के पार और 25 के पहले, तो हम कहेंगे सारे आंसर जो है क्या है, किसके हैं, बाहर के हैं, 20 और 25 के बीच के नहीं, इसलिए क्या हो गया, गलत। अब इसी क्वेश्चन को टफ करना हो, समझिएगा इसी क्वेश्चन को टफ करना हो, तो हमने यहां पे आंसर कर दिया, ये ऑप्शन बदल कर दिया 22, ये ऑप्शन हमने करके बदल क्या कर दिया 23, अब हमने कर दिया क्या 24, ठीक है, हमने इसका ऑप्शन कर दिया क्या 22 सही, 8/11, इसका कर दिया 23 सही और इसका कर दिया 24। अब जो सारे ऑप्शन है हमारे वो 20 और 25 के बीच में,
अब सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, 20 से 25 के बीच में हैं। अब अगर हम इसका सही आंसर नहीं जानते हैं तो होगी समस्या, है ना। अगर हम इसको सही कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो क्या होने वाली है, समस्या। अगर ये आंसर हमारा ऐसे होता 32 सही 8 बटे 11, तो ये 20 और 25 के बीच का नहीं है, गलत हो जाता, है ना। ये क्या है, 27 सही 3 बटे 11, 20 से 25 के बीच नहीं, गलत हो गया। ये 47 सही 7 बटे 11, 20 से 25 के बीच में गलत हो गया। लेकिन अगर हमने चारों ऑप्शन 20 से 25 कर दिया तो अब तो ये क्वेश्चन टफ हो गया ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे ही बहुत आसानी से ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिए कि 4 से 5 के बीच तो समय क्या होगा, 4 के बाद का होगा और 5 के पहले का होगा। तो यहीं से हमारी ट्रिक हो जाती है, क्या छोटी यूनिट, छोटी यूनिट गुणे 60 बटे 11, यही हमारी ट्रिक है। बहुत ही छोटा सा और आसान सा ट्रिक है, क्या छोटी यूनिट गुणे क्या 60 बटा 11, है ना, छोटी यूनिट गुणे क्या 60 बटे 11। अब इसमें से दोस्तों छोटी यूनिट क्या है, 4 गुणे क्या 60 बटे 11 बराबर क्या हो गया 240 बटे 11, 21 सही 9 बटे 11, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ट्रिक जानते रहिए दोस्तों कि जब भी 0 डिग्री की बात करेगा हम क्या करेंगे, छोटी यूनिट गुणे क्या 60 बटे 11, क्या करेंगे, छोटी यूनिट क्या गुणे 60 बटे 11, और सीधे हमारा आंसर आ जाए। क्यों, क्योंकि घंटा तो दे दिया है ना, हमसे पूछा क्या रहा है मिनट, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, मिनट में। तो जब भी ध्यान रखिए कि 0 डिग्री की बात करेगा, छोटी यूनिट मतलब जिसका घंटा हो, छोटी यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसका घंटा हो। तो घंटा किसका है, 4 का है ना, तो 4 गुणे क्या 60 बटे 11 बराबर 240 बटे 11 क्या हो जाएगा, 21 सही 9 बटे 11, यही हो गया हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग आंसर टाइप करेंगे तेजी से, सभी लोग अपने अपने आंसर टाइप करेंगे तेजी से, क्या होगा कैसे होगा, सभी लोग दे आंसर जरा। आठ से नौ के बीच कब एक दूसरे को ढक लेंगी, तो आठ से नौ के बीच बताइए छोटी यूनिट। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, घंटा तो दे दिया है ना आठ का, क्या पूछा है, मिनट। तो क्या करेंगे, छोटी यूनिट गुणे क्या 60 बटा 11, छोटी यूनिट क्या है 8, 8 गुणे क्या 60 बटे 11 बराबर क्या हो जाएगा 480 बटे 11, 43 सही 7 बटे 11, यही हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा 43 सही 7 बटे 11। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, आप कह सकते हैं चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आंसर बताइए जरा तेजी से, बताइए आंसर, सभी लोग टाइप करें, क्या हो जाएगा 10 से 11 के बीच कब सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, अब देखिए अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक से कैसे कह सकते हैं, 10 से 11 के बीच मतलब 50 से 55 के बीच का समय कौन है, तेजी से बताइए, इसमें 50 से 55 के बीच का समय क्या है, पहला ही है ना, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 50 से 55 के बीच का समय क्या है, क्योंकि 10 बज के 10 मिनट 10 के पार और 11 के पहले, 50 के पार और 55 के पहले। अगर इसको सॉल्व करना हो तो छोटी यूनिट क्या है 10, क्या है लिख देते हैं हम ट्रिक, ताकि जो लोग लेट जुड़े उनको दिक्कत ना हो, है ना, छोटी यूनिट, छोटी यूनिट गुड़े क्या 60 बटे 11, छोटी क्या है 10, और 10 गुड़े क्या 60 बटे 11 बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 11, 55 सही 6 बटे 11, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। देख के आंसर बताएंगे, देख के आंसर बताएंगे, आपको पता है देख के आंसर बताना है, समय नहीं लेना है। 2 से 3 के बीच क्या होगा, 10 के पार और 15 के पहले। अब 10 से 15 क्या है जरा समझ लीजिएगा, जो लोग लेट से जुड़े हैं वो भी समझ लेंगे कि जब भी बनेगा तो ओवरलैपिंग जो होगी वो 2 के थोड़ा सा आगे होगी, बोलिए हाँ, तो 2 के थोड़ा सा आगे मतलब 10 के पार और 15, 3 के पहले मतलब 15 के पहले, तो कितना हो जाएगा, तो 10 और 15 के बीच का समय क्या है, दूसरा ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
है ना। अगर हम ट्रिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 60/11 बराबर 120/11 कितना हो जाएगा, 10 × 10/11। ट्रिक हमने क्या बताया था कि जब भी 0 डिग्री की बात करें छोटी यूनिट गुड़े क्या 60/11, छोटी यूनिट गुड़े क्या 60/11। चले अगला प्रश्न, 5 से 6 के बीच, जल्दी से आंसर दीजिए, 5 से 6 के बीच जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा, ठीक है, 5 से 6 के बीच कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो 5 का मतलब क्या बताइए, 25 के पार और 30 के पहले कौन सा आंसर है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जो रो लेट शुड फिर से समझेंगे कि कैसे हम ये देख के आंसर करें, ध्यान समझिएगा, अगर हम एक घड़ी बना दें, घड़ी बना दें और हमसे क्या पूछा है 5 से 6 का ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होंगे, तो 5 बजे घंटे की सुई 5 पे और मिनट की सुई कहां है 12 पे, मिनट की सुई यहां से आई और 5 के थोड़ा सा आगे इसको ओवरलैप करेगी, ये सुई यहां से आ जाएगी और ये ओवरलैप करेगी, समय क्या होगा 25 के पार और 30 के पहले क्या है, तो एक ही ऑप्शन है 27/3/11 वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ट्रिक हमारा क्या है, छोटी यूनिट गुड़े क्या 60/11 बराबर क्या हो जाएगा, छोटी यूनिट है 5 × 60/11 बराबर 300/11, 11 × 22 = 27 सही 3/11 यही होगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे, 9 बजे से 10 बजे के बीच कब सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी, 9 से 10 के बीच बताइए क्या आंसर होगा, तो हम कहेंगे 45 के पार और 50 के पहले का क्या कोई समय है, तो 49 सही 1/11, हालांकि ये भी है दोनों हो सकता है, 47 भी है है ना, दोनों हो सकता है, 47 भी 45 के पार का है और 49 मतलब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9 × 60/11 क्यों ऐसा, क्योंकि ट्रिक हमारा क्या होता है, छोटी यूनिट गुड़े क्या 60/11, छोटे यूनिट क्या है 9 × 60/11 बराबर 540/11, 11 × 4 = 44, 10 × 11 = 99, 49 सही 1/11, तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच है दोस्तों, बताइए 6 से 7 के बीच, तो आप कहेंगे क्या 30 और 35 के बीच में कौन सा आंसर है, दूसरा आंसर ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर, 30 और 35 के बीच में वही है हमारा एक जो हमारा होगा राइट आंसर। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 6 से 7 के बीच क्या हो जाएगा, छोटी यूनिट गुड़े क्या 60/11, छोट क्या है 6 × 60/11 बराबर कितना हो जाएगा 360/11, 11 × 33 = 33, 11 × 22 = 32 सही 8/11, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 1 से 2 के बीच कब सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी, 1 से 2 के बीच बताइए, 1 से 2 के बीच मतलब 5 के पार और 10 के पहले कौन सा आंसर, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, पहला ही ऑप्शन, क्योंकि वही एक ऐसा समय है जो 5 के पार का है और 10 के पहले का, अगर हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, छोटी यूनिट गुड़े 60/11 छूट क्या 1, छोटी यूनिट क्या है 1 और 1 गुड़े क्या 60/11 बराबर 60/11 क्या हो जाएगा, ये 5 सही 5/11, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए अगला, 7 से 8 के बीच स्क्रीन पे देखते ही बताइए, 7 से 8 के बीच मतलब 35 और 40 कौन सा आंसर हो गया, चौथा ही क्या हो गया, राइट आंसर, या हम कहें 7 से 8 के बीच अगर हम सॉल्व करें तो क्या कहेंगे, छोटी यूनिट गुड़े 60/11, 7 × 60/11 420/11, 11 × 33 = 38 सही 2/11, चौथा ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलिए 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी, आंसर दीजिए सभी लोग,
तीन से चार के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी बताइए, तो तीन का मतलब 15 के पार और 20 के पहले, 15 और 20 के समय क्या है 16 सही 4 बट्टे 11, यही हमारा क्या होगा बताइए दोस्तों राइट आंसर होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो छोटी यूनिट सॉरी तीन से चार के बीच क्या पूछा जा रहा है, मिनट पूछा रहा है, घंटा दिया है, तो छोटी यूनिट गुड़े क्या 60 बटे 11 क्या हो जाएगा, 3 गुड़े 60 बटे 11 बराबर 180 बटे 11, 16 सही 4 बटा 11 ठीक। चलिए आगे 11 से 12 के बीच क्या, 11 से 12 के बीच है ना, तो 11 से 12 क्या हो जाएगा छोटी यूनिट गुड़े क्या 60 बटे 11, तो 11 गुड़े 60 बटे 11, 11 से 11 कट गया क्या आ गया 60, 11 बज के 60 मिनट, या यहाँ पे लिख भी देता क्या ठीक 12 बजे तब भी गलत नहीं होता, ठीक 12 बजे भी लिखा होता तो भी गलत नहीं होता, अगर ठीक 12 बजे लिखता तब भी हमारा आंसर गलत नहीं होता ठीक। तो यहां से आपका आज पार्ट थर्ड समाप्त होता है। जिन लोगों ने भी हमारे अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आप स्टडी 91 टाइप करके हमारे प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और वहां पे आपके लिए फ्री का नोट्स, फ्री का वीडियो सब कुछ वहां पे उपलब्ध है, आप पढ़िए, बहुत सारा मेहनत करके सर लोगों ने तैयार किया है। इसके आगे हम लोग आएंगे नेक्स्ट टर्न पे पार्ट 4, तब तक के लिए गुड बाय एंड